यही वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को 1658 से लेकर 1666 तक उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा नज़रबंद करके रखा गया था। ये आगरा फोर्ट का दीवाने आम का एरिया है। ऊपर की साइड पे जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये सिंहासन उस समय यहाँ पर दीवार पर उन्होंने गोल्ड का पत्रा बना करके गोल्ड का फूल, गोल्ड की लीफ या गोल्ड की स्टेम टहनिया, तो फूल पत्ती और टहनिया ये सब गोल्ड का बना हुआ था। इस पूरी आर्च के अंदर गोल्ड का काम था। जब अंग्रेजों ने इस पे फोर्ट पर अटैक करा तो अंग्रेजों ने दो तोप के गोले इस पर फेंके। एक गोला इस बेड पे आके गिरता है जी। जो गिरने के बाद बेड की जो आप कवर देख रहे हैं, ये कवर है जॉन रसेल के लिए। ओके। 1857 का जो गदर हुआ था सिपाही पे, दीवाने खास जी, उस जमाने का पार्लियामेंट हुआ करता था, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको कहते थे, दीवाने खास। अकबर के टाइम में ये भी रेड स्टोन का था। तो ये है नगीना मस्जिद, जो कि शाहजहाँ ने अपनी घर की फैमिली जो लेडीज़ हुआ करती थी उनके लिए इसको बनाया था, तो यहीं पर वो नमाज पढ़ा करती थी। ओके। से आपको जो ताजमहल दिख रहा है जी, इस पॉइंट से देखने पे ताजमहल कुछ बड़ा दिखता है जी। और विंडो खाई की तरफ जो समर पैलेस की तरफ विंडो थी वहाँ से दिखाया था, जो वहाँ से छोटा दिखता है, क्यों उसका एक रीज़न है जी। अब आप देखेंगे खास महल जो शाहजहाँ मुमताज का बेडरूम है। आर्च के अंदर जो आप सेट देख रहे हैं ना, ये ग्लू का निशान है। उस समय उन्होंने जो ग्लू बनाया उसकी द्वारा यहाँ पर दीवार पर उन्होंने गोल्ड का पत्रा बना करके गोल्ड का फूल, गोल्ड की लीफ या गोल्ड की स्टेम टहनिया, तो फूल पत्ती और टहनिया ये सब गोल्ड का बना हुआ था। ये पूरी आर्च के अंदर गोल्ड का काम था। ओके। इट वॉज द गोल्ड वर्क। हर आर्च के अंदर, बड़ी आर्च हो चाहे छोटी आर्च हो, इस सभी के अंदर गोल्ड का काम था। फोर साइड सीलिंग पर आप देख सकते हैं निशान बने हुए हैं ग्लू के, जो ग्लू के द्वारा गोल्ड चुपकाया हुआ था वो सब गोल्ड का काम हुआ करता था। तो अभी इसमें गोल्ड नहीं है इस समय, केवल आप एक पत्ती गोल्ड की जो बाकी है वो देख सकते हैं, वो सामने है, एक ही गोल्ड का लीफ बाकी। काशी देख सकते हैं और यहाँ से आप इसका विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार हवा आती है। ये है झरोखा, जाली वाला झरोखा। अब ये देखेंगे शाहजहाँ की बड़ी बेटी जिसका नाम था जहानारा। जहानारा जिस समय मुमताज महल जहानारा की पत्नी की तय थी उस समय इसकी उम्र 17 साल की थी, इसलिए शाहजहाँ ने इसको काफ़ी पावर दी। पालकी नुमा देखेंगे इस महल का जो स्ट्रक्चर है, पालकी नुमा दोनों बेटियों को पालकी नुमा डोली नुमा महल बना करके दिया, क्योंकि दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई। ये बहुत चतुर और क्लेवर समझदार लड़की थी, शाहजहाँ ने इसको काफ़ी पावर दे रखी थी। डायरेक्टली इन्वॉल्व थी रूलिंग करने में, पॉलिटिक्स करने में। okay. महल के अंदर इसका ऑर्डर चलता था जी। शाहजहाँ ने इसको इतनी पावर दे रखी थी कि सूरत के अंदर जो बंदरगाह है जी, वो इसी के अंडर में आता था, और इसके शिप चलते थे हिंदुस्तान से यूरोप। okay. उस समय उस जमाने में ये ट्रेडिंग किया करती थी। ट्रेडिंग करने के बाद इसकी जो एक साल की इनकम थी वो 30 लाख रुपये बताई जाती है, जो उस समय में 30 लाख रुपए ट्रेडिंग के द्वारा कमाया करती थी। सोल सिल्क स्कार्फ, हैंडीक्राफ्ट के आइटम और मसाले स्पाइसेस इंडिया से ले जा करके यूरोप बेचा करती थी, उसके द्वारा ये 30 लाख रुपए कमाया करती थी। जहानारा और शाहजहाँ दोनों चाहते थे कि सबसे बड़ा बेटा दारा सिंह को राजा बने जी, लेकिन जो छोटी बेटी थी वो इन दोनों से जरा गुस्सा रहती थी, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि सबसे छोटा भाई जी शाहजहाँ का सबसे छोटा बेटा औरंगजेब राजा बनेगा। ओके। दोनों बहनों ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि दोनों भाइयों में फाइट हुई दिल्ली के अंदर जी। उसका नतीजा आया कि औरंगजेब फाइट को जीतता है और अपने बड़े भाई दारा सिंह को वो अरेस्ट करके 1658 में आगरा आता है, इस फोर्ट के अंदर एंट्री करता है और अपने पिताजी शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट नज़रबंद कर लेता है जी। अब हम जा रहे हैं शाहजहाँ का जेल, जिसको कहते हैं प्रिजन, उसको देखने के लिए, जो आगरा फोर्ट के अंदर सबसे खूबसूरत पैलेस बना हुआ है, इसको कहते हैं मुथम्मम ब्रुज। ये शाहजहाँ का जेल हुआ करता था उस जमाने में जी। अकबर के टाइम में ये रेड स्टोन का था जिसको झरोखा कहते थे, लेकिन शाहजहाँ जैसी पावर में आया शाहजहाँ ने इसको रिबिल कराया और वाइट स्टोन में बनवा करके इसका नाम रख दिया मुथम्मम ब्रुज। ओके। यही वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को 1658 से लेकर 1666 तक
उसके बेटे औरंगजेब के द्वारा नज़रबंद करके रखा गया था। ये फाउंटेन जो आप देख रहे हैं, ये फाउंटेन उस जमाने में रोज़ वाटर से रनिंग हुआ करता था, जिस समय यहाँ पर शाहजहाँ हाउस अरेस्ट था। ओके। बड़ी बेटी जहानारा डेली शाहजहाँ के पास आया करती थी, उसकी सेवा करती थी, और ये सिलसिला अगले 8 साल तक चलता रहा, जब तक वो यहाँ पर हाउस अरेस्ट रहा। ओके। तो 22 जनवरी 1666 की रात थी। इनायत खान जैसे अपनी किताब में लिखता है कि जहानारा और शाहजहाँ उस रात को बालकनी में बैठ करके ताजमहल को देख रहे थे, और ताजमहल देखते देखते शाहजहाँ की डेथ हुई। यहाँ से आप देख सकते हैं, उस विंडो से सामने ताजमहल दिखता है। ओके, मतलब शाहजहाँ यहीं से ताजमहल देखा करते थे, तो बिल्कुल सामने ही हमें ताजमहल दिख रहा है। तो ये आप ताजमहल देख सकते हैं, ये इसका बाथरूम हुआ करता था, और शाहजहाँ हाउस रेस्ट था, तो वो यहाँ पर ही बात लिया करता था, यहीं पर नहाया करता था। अच्छा, ये है बात, शाहजहाँ को परमिशन था ऊपर जाने का ना। ये है बाथरूम, और जो पानी आया करता था इसी के ज़रिए से ऊपर से पानी आया करता था। देख सकते हैं कितनी पतली बारीकी सी नाली। अब जा रहे हैं हम शाहजहाँ का मस्जिद देखने, मीना मस्जिद। ओके। जो शाहजहाँ ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था। जी। जिस समय शाहजहाँ यहाँ पे हाउस रेस्ट था, जी, उसको परमिशन था ऊपर जाने के लिए। जी। वो ऊपर जाया करता था और दिन में 5 बार प्रेयर करता था, नमाज पढ़ता था। जी। और नमाज पढ़ने के बाद वापस अपनी जेल जहाँ पर उसको रखा गया था मुसम्मम रूप में, वहाँ पर आ जाया करता था। तो ये है मीना मस्जिद जहाँ शाहजहाँ नमाज पढ़ा करते थे। तो फिलहाल तो अभी ये बंद है, इसके अंदर जाना मना होता है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते। तो इसमें कुछ लिखा भी गया है इस मस्जिद के बारे में, जो शाहजहाँ के लिए स्पेशली बनाई गई थी ये मस्जिद। अभी सामने जो आप महल देख रहे हैं, ये पूरा मछली घर का एरिया कहलाता है। ओके। पूरा मछली घर का एरिया है। उस टाइम पर ये ग्रीन फील्ड का जो एरिया देख रहे हैं नीचे की तरफ, जी, इसमें एक फिश पॉन्ड मछलियों का तालाब हुआ करता था, लेकिन उसको बाद में भर दिया गया, जो आज इस हालत में है जो आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे दीवान खास, जी, उस जमाने का पार्लियामेंट हुआ करता था, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको कहते थे, दीवान खास। अकबर के टाइम में ये भी रेड स्टोन का था, सांझा जैसी पावर में आया इसको भी रीबिल्ड कराया और वाइट स्टोन में बनवा दिया। इसके अंदर आप जो राइटिंग देख रहे हैं, जो लिखाई देख रहे हैं, वो पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो आप दीवारों पर देख सकते हैं। केवल खास लोग ही राजा से यहाँ पर मिल सकते थे, जैसे कि जनरल ऑफ आर्मी, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, सीक्रेट एजेंट, विजिटर्स जो विदेश से आ रहे थे हिंदुस्तान को विजिट करने के लिए, वही लोग यहाँ पर राजा के साथ मीटिंग कर सकते थे। तो ये है दीवाने खास, दीवाने खास राजा का मीटिंग हॉल। अब सामने जो आप देख रहे हैं एक बेड है, जो जहांगीर का थ्रोन हुआ करता था, जहांगीर का सिंहासन हुआ करता था, मीटिंग के दौरान जहांगीर यहीं पर ही बैठा करता था। ओके। और डिसीजन लिया करता था, न्याय बहुत प्रिय था उसको। ओके। इसी सुनार के पास एक स्टोन होता है जिसपे सुनार सोना घिस करके परखता है, जी, जिसको कहते हैं कसौटी। ये उस पत्थर का बना हुआ है जो बेल्जियम से आता है। इसको बनवाया जहांगीर ने, इसको बनवाया था इलाहाबाद के फोर्ट में, जो अकबर का फोर्ट है संगम घाट पर, जी, वहाँ से बनने के बाद, तैयार होने के बाद इसको यहाँ पर शिफ्ट करा गया। जी। जब अंग्रेजों ने इस पे फोर्ट पर अटैक करा तो अंग्रेजों ने 2 तोप के गोले इस पर फेंके, एक गोला इस बेड पे आके गिरता है, जी, जो गिरने के बाद बेड को तोड़ देता है और बेड 2 भाग में डिवाइडेड हो जाता है, और दूसरा गोला दीवार पे आकर के हिट करता है और वो दीवार को फाड़ता हुआ निकल जाता है। जो आप सामने हॉल देख रहे हैं, एक दीवार के अंदर वो अंग्रेजों के द्वारा फेंके गए गोले से बना। ओके। ये जो दीवार का हॉल देख रहे हैं, ये वाला, ये भी उस पीरियड में इस पर गोला लगा था ना। जी। अभी तो चिड़िया का घोंसला है इसमें। जी। सामने वाइट मार्बल का एक आप बेड देख रहे हैं, जो मिनिस्टर का बेड हुआ करता था, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो यहीं पर ही बैठता था। ओके। जब राजा नहीं होता था तो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग के दौरान इस बेड पर बैठ करके मीटिंग किया करता था। ओके। तो ये प्राइम मिनिस्टर का बेड है, यानी गद्दी है। अब आप देखेंगे मिनिस्टर्स के रूम, उस टाइम में जितने भी मिनिस्टर हुआ करते थे वो इन्हीं रूमों के अंदर रुका करते थे, अपना काम किया करते थे, जी, ऑफिशियल वर्क किया करते थे, और वर्क करने के बाद, फिनिश करने के बाद शाम को
दीवाने खास में राजा को रिपोर्ट किया करते थे। ओके। यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारे मिनिस्टर्स के रूम है जो आप देखते जा रहे हैं, उनके गेट हैं, और इन रूमों के बीच में, गेट्स के बीच में आप देखेंगे एक रास्ता जाता है जो सिंहासन पे जाता है। राजा इसी रास्ते से जी सिंहासन पे जाया करता था। तो ये है राजा का एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री किया करते थे दीवाने आम के लिए। ये नगीना मस्जिद है जो शाहजहाँ ने अपनी फैमिली की लेडीज़ों के लिए बनवाई थी। ओके। इसमें केवल लेडीज़ें प्रेयर करने के लिए आया करती थी। तो ये है नगीना मस्जिद जो कि शाहजहाँ ने अपनी घर की फैमिली जो लेडीज़ हुआ करती थी उनके लिए इसको बनाया था, तो यहीं पर वो नमाज़ पढ़ा करती थी। तो काफ़ी अच्छी मस्जिद है देखने में। गुम्बद ऊपर आप जो देख रहे हैं, तीन गुम्बद बनाए गए हैं, बीच में जो है थोड़ा सा बड़ा गुम्बद है, साइड में जो छोटे छोटे थोड़े छोटे गुम्बद हैं। जो आपने रेड स्टोन की बिल्डिंग देखी थी वो अकबर और जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जितना भी इस महल में या इस किले में संगी मरमर का वाइट मार्बल्स का यूज़ हुआ वो टोटली शाहजहाँ के द्वारा यूज़ हुआ था, क्योंकि शाहजहाँ को वाइट मार्बल्स बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल भी वाइट पूरा वाइट मार्बल्स में बनवाया। ओके। से आपको जो ताजमहल दिख रहा है जी, इस पॉइंट से देखने पे ताजमहल कुछ बड़ा दिखता है जी, और विंडो खाई की तरफ जो समर पैलेस की तरफ विंडो थी वहाँ से दिखाया था जो वहाँ से छोटा दिखता है, क्यों उसका एक रीज़न है जी। वहाँ से देखने पे आप नदी का गैप देखते हैं इसलिए ताजमहल आपको दूर दिखता है जी और छोटा दिखता है। इस पॉइंट से देखने पे ताजमहल आपको बड़ा दिखता है क्योंकि यहाँ से आप नदी का गैप नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा लगता है कि ताजमहल लाल किले के काफ़ी करीब है। ओके। और बड़ा है जी, ये एक आँखों का धोखा है, इंक्लूजन है। ओके। और कुछ नहीं, मछली घर के अंदर आप देख रहे हैं नीचे की साइड में जो रूम बने हुए हैं जी, ये मिंट हुआ करता था उस समय टकसाल, जिसके अंदर वो करेंसी यानी कॉइन्स सिक्के बनाया करते थे अपने पास। बोलिए। देखिए अब हम जा रहे हैं दीवाने आम की तरफ, और ये रास्ता दीवाने आम की तरफ जाता है, सीढ़ियों के द्वारा जब हम नीचे उतरेंगे तो हम दीवाने आम में पहुंच जाएंगे। आइए आपको ले चलते हैं दीवाने आम। ये आगरा फोर्ट का दीवाने आम का एरिया है। ऊपर की साइड पे जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये सिंहासन उस समय राजाओं को बैठने का स्थान हुआ करता था। अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, चार मुगल राजाओं ने यहीं पर बैठ करके राजपाट चलाया, एम्पायर को चलाया। नीचे उनका मिनिस्टर बैठता था जो भी उस समय मिनिस्टर हुआ करता था, और विंडो के अंदर साइड में, दोनों साइड में जो आप विंडो देख रहे हैं इनके अंदर महल की लेडीज़ रानी और राजकुमारियाँ बैठा करती थी। ओके। तो जो पीछे आपने गेट देखा था जो राजा एंट्री किया करते थे, तो ये है वो एंट्री गेट, यहीं से राजा बैठा करते थे। तो ये है दीवाने आम। दीवाने आम के अंदर 64 पिलर बने हुए हैं, हर पिलर पर ये बताते हैं एक मिनिस्टर रहा करता था। ओके। और ओपन एरिया में उनके लैंडलॉर्ड जमींदार जी, मनसबदार जिनको कहा करते थे, मनसबदार जी, वो खड़े रहते थे, और उसके बाद जनरल पब्लिक, जितना भी डिसीजन हुआ करता था वो राजा के द्वारा यहीं पर लिया जाता था, इसी को दीवाने आम कहते हैं। सामने आप एक मस्जिद देख रहे हैं जिसका नाम है मोती मस्जिद जी। ताजमहल बनने के बाद जितना भी मटेरियल बचा शाहजहाँ ने ऑर्डर करा उसको यहाँ पे लाया जाए और एक मस्जिद बनाई जाए। इस मस्जिद को बनाने में 9 साल लगे, और उस जमाने में उस टाइम पर 3 लाख रुपए का खर्च आया, तो 3 लाख रुपए इस पर खर्च हुए और 9 साल लगे जी। इसको मोती मस्जिद कहते हैं जो इस समय आर्मी के अंडर में आती है, इसको हम विजिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आर्मी के दीवार के पीछे का जितना भी एरिया है सारा 60% का एरिया आर्मी के अंडर में आता है, जिसको हम विजिट नहीं कर सकते। मुगल टाइम में मुगल आर्मी रहा करती थी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी रहा करती थी, और इस समय हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पर रहती है, इसलिए उस एरिया को हम विजिट नहीं कर सकते। रॉयल फैमिली का एरिया है जो आप विजिट कर सकते हैं। ये जो आप कवर देख रहे हैं ये कवर है जॉन रसेल केल्विन। ओके। 1857 का जो गदर हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उस टाइम पर यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा था, और उनका एक गवर्नर था जिसका नाम था जॉन रसेल केल्विन। ओके। 9 सितंबर 1857 को उसकी इस फोर्ट के अंदर डेथ हुई, उसके सोल्जरों ने जॉन रसेल केल्विन, उसके गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर को यहीं पे दफन करा। जो ग्रेव आज तक यहाँ पे मौजूद है जी, कबर आज तक यहाँ पे मौजूद है जिसको आप देख रहे हैं। ये जो गेट देख रहे हैं इसको कहते हैं एलिफेंट गेट जी। जब भी राजा इस आगरा फोर्ट के अंदर आते थे जी, तो यहीं पर उनका हाथी आता था, एलिफेंट आता था।
और एलिफेंट के द्वारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उतरा करते थे। ओके, फर्स्ट फ्लोर पर बैठाया नहीं जाता था, बैठने में और हाथी को खड़े होने में राजा को दिक्कत होती थी, तो उनको फर्स्ट फ्लोर पर पटरी के द्वारा फर्स्ट फ्लोर पर उतारा जाता था, वहाँ से सीढ़ियों के द्वारा नीचे जो गेट दिख रहे हैं उससे भी। तो ये है एलिफेंट गेट ना। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो आगरे किले का वीडियो था वो हो चुका है कम्प्लीट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मैं आगे भी आपको इससे अच्छी वीडियो बना के देता रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।